वनस्थली विद्यापीठ में विशेष वार्षिक उत्सव कार्यक्रम, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के। कला मंदिर में चित्र प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया। वनस्थली विद्यापीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर सिद्धार्थ शास्त्री भी मौजूद हैं। कुलपति ईना आदित्य शास्त्री भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। अतिथियों ने छात्राओं से वन टू वन संवाद किया। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। अनिल अग्रवाल ने छात्राओं के सवालों के जवाब दिए। छात्राओं के मन में तमाम सवाल थे, एक एक कर तमाम सवालों का जवाब अनिल अग्रवाल ने दिया। मनोज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, हमने तस्वीरें भी देखी और साथ ही साथ किस तरीके से छात्राओं के साथ वन टू वन संवाद भी हुआ और हर एक सवाल का जवाब दिया गया। मैं चाहूंगी पूरे कार्यक्रम को लेकर जानकारी और दीजिएगा, किस तरीके से अब कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल दीपिका, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जो तस्वीरें देखी गई थी वो आधुनिक भारत की, आधुनिक बदलते भारत की बदलती हुई तस्वीरें थी। हम इस समय जो ईना शास्त्री हैं, कुलपति हैं वनस्थली विद्यापीठ की, उनके आवास की कुछ तस्वीरें आप साझा करना चाहेंगे कि किस तरह से आज भी सादगी पूर्वक, जैसे हमारी जो विरासत रही है, जिस तरह से गाँव में मकान हुआ करते थे, आज भी मिट्टी के मकान हैं। और वो जो तरीका है रहने का, चबूतरे को आप देख सकते हो कि बिल्कुल जिस तरीके से हम बचपन में देखा करते थे, बिल्कुल मिट्टी से लिपा हुआ ये चबूतरा है और यहाँ पर बिल्कुल फूल और पत्ती उसको काटकर बनाया गया है, ये इनका आवास है। साथ ही उस तरफ की तस्वीरों को भी जो इकबाल है वीडियो जर्नलिस्ट दिखा रहे हैं कि जिस तरह से जो आवास जो इनका है, वो रहन से इनकी जो इनकी संस्कृति है वो इस तरह से बनी हुई है। और जो चकाचौंध वाली तस्वीर हमने देखी थी कि ये शिक्षा दे रही हैं, जहाँ बालिका घुड़सवारी कर रही हैं और घुड़सवारी पर अपने करतब दिखा रही हैं, इसके अलावा लैब में बालिकाएं बिल्कुल एक वैज्ञानिक की तरह काम कर रही हैं, इसके अलावा हेलीपैड पर भी, वहाँ पर भी जो पायलट बनने वाली जो बालिका है उनसे भी हमने बातचीत की। अब हम जो कुलपति है वनस्थली विद्यापीठ की, ईना शास्त्री जी, उनसे कुछ जुड़ेंगे और उनसे कुछ बातचीत करेंगे। मैडम, चूंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व इसमें देखने को मिला, ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसकी बालिका यहाँ नहीं हो, और हमने कई बालिकाओं से भी बातचीत की है, इस सबको कैसे संभाल पाती हो, मतलब कह सकते हैं एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। जी हाँ, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण काम है ये तो। पर देखिए कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो फाउंडर्स रहे हैं, उन्होंने जब वनस्थली की स्थापना की थी तब ये नहीं सोचा था कि हम कैसे संभालेंगे, क्या नहीं करेंगे। उनका ये कहना था कि आप समुद्र में कूद जाइए, तैरना अपने आप आ जाएगा, अपने आप ही सारे मार्ग बनते जाते हैं। तो देखिए, हमारा ये सौभाग्य है कि हमारी संस्था से बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि वन संस्था के हितैषी हैं, क्योंकि वो एक अच्छे कार्य के लिए काम कर रही है संस्था। तो ऐसे लोगों का सहयोग मिलने से ही हम वनस्थली को थोड़ा सुचारू रूप से चला पाते हैं। दो तस्वीरें हैं मैम, एक तो वहाँ हमने देखा जो बालिकाएं हैं वो आधुनिक जो भारत है उसके साथ चल रही है, और यहाँ जो आपका आवास देखा आपने, आज भी उसी तरह से जो कि 70 साल या 80 साल पहले जो आवास हुआ करते थे उसी तरह के बना रखा है, दोनों में अंतर कैसे? देखिए, वनस्थली का जो शिक्षा का जो प्रमुख कहना चाहिए कि आइडियोलॉजी है, पंचमुखी शिक्षा है, उसके अंतर्गत आपका देखिए कि एस्थेटिक कंपोनेंट, जिसमें कि आप सौंदर्यपरक शिक्षा देते हैं, बौद्धिक कंपोनेंट जिसमें कि आप बुद्धि से रिलेटेड शिक्षा लेते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन जिसमें कि आप कुछ स्किल, जैसे कि हमारे माननीय मंत्री जी भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ स्किल बच्चों में आने चाहिए, कौशल का विकास होना चाहिए, वो हम देते हैं। इसके अलावा जो मॉरल एजुकेशन है, जो कि आज का सबसे ज़्यादा हमारी संस्कृति में लुप्त होती जा रही है, हमारे समाज में हमारी संस्कृति से जोड़ना हमारे विद्यार्थियों को, ये सबसे बड़ा हमारा कार्य है। अपनी भारतीय संस्कृति सबसे बड़ी मानी जाती है, उस संस्कृति से रूबरू हमारे विद्यार्थी हों, उसको जानें। इसीलिए हमने प्राचीनता और नवीनता, नए जमाने की जो टेक्नोलॉजी है उससे भी हमारे बच्चे पिछड़े नहीं, उसको भी वो जानकारी लें और प्राचीन जो हमारी संस्कृति है उसका भी वो ज्ञान लें। इन दोनों का सामंजस्य रखते हुए वनस्थली विद्यापीठ अपनी छात्राओं को शिक्षा दे रहा है। जैसा कि यहाँ पूरे प्रांगण में देखा गया है, पूरा जो कैंपस है, हरियाली का विशेष ध्यान रखा गया है, तो पेड़ पौधों के लिए क्या कोई यहाँ पर अभियान चलाते हो, उनके रख रखाव और देखभाल की व्यवस्था किस तरह से होती है? जी हाँ, बिल्कुल, पेड़ पौधे क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा रूप माना जाता है, हमारे यहाँ तो पूजा होती है हमारे वृक्षों की। और देखिए कि जितने भी कंस्ट्रक्शन आपने नए देखे हैं, अगर उस बीच में कोई पेड़ भी आता है तो किसी भी पेड़ को काटा नहीं गया है। हम भले ही अपना जो मैप है उसको हम चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंगली, सभी हमारे जो वृक्ष हैं वो वैसे के वैसे सही सलामत है। और हमारा अभियान रहता है कि हम समय समय पर वृक्षारोपण करते रहते हैं, और हमारे NSS के स्टूडेंट्स, हमारे जो एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो बराबर पौधों को लगाती रहती हैं और छात्राएँ उसका संरक्षण करती हैं बाकायदा पानी देने का।
देखो, एक महिला विद्यालय की आप कुलपति हो और आज के क्षेत्र में महिला हर वर्ग में आगे आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महिला प्रताड़ित भी है, तो महिलाओं को कोई ऐसा संदेश देना चाहूँगी जिससे कि जो महिला है वो आत्मनिर्भर बन सके। जी हाँ बिल्कुल, एक तो महिलाएं अपने आप को समझे कि हम क्या हैं, उनको समाज में आगे जाने के लिए अपने पैरों पर आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। वो शिक्षा, सबसे पहली बात तो है शिक्षा, शिक्षा वो प्राप्त करें। अगर एक महिला शिक्षा प्राप्त करती तो पूरे समाज को शिक्षा देती है, कई परिवारों को शिक्षा देती है, तो वो अगर प्रॉपर शिक्षा उनको मिलेगी तो वो समाज में कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगी और वो अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। तो एक जो ग्लास सीलिंग समाज ने बना रखी महिलाओं के लिए कि इस दायरे से ऊपर आप नहीं जा सकते, वो हमें तोड़नी होगी। हमें बताना होगा जो महिलाएं हैं आज, जब महिलाओं को मौका मिला है करने के लिए, वो बहुत कुछ कर रही हैं। आप देखिए, ऐसे कुछ समय पहले तक हमारे जो एयरफोर्स था उसमें महिलाओं की पदार्पण नहीं था, पर हमारी बेटी वनस्थली की अवनी चतुर्वेदी, जैसे ही फाइटर उसमें एयरफोर्स में महिलाओं का आगमन हुआ तो पहली महिला फाइटर पायलट जो हमारे यहाँ की वनस्थली की स्टूडेंट बनी। तो हम एक रोल मॉडल क्रिएट कर रहे हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, जो पुरुष प्रधान चीज़ें हैं वो भी महिलाएँ कर सकती हैं। एक बड़ा सवाल है मैडम, करीब हज़ारों की तादाद से ज़्यादा जो बालिकाएं यहाँ पढ़ रही हैं, छोटी भी हैं समझदार भी हैं, और उनकी हर व्यवस्था की, खाने की पीने की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी रहती है, उनके माँ बाप भी आपसे मिलने आते हैं, तो उनकी क्या विशेषतर जो कॉमन मांग है वो देखने को मिलती है? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर की कृपा भी मैं मानती हूँ, और साथ ही हमारा जो डेडिकेटेड स्टाफ है वो वनस्थली की सुरक्षा में और उनके खान पान में उसे विशेष ध्यान देता है। और हमारा जो 50 हॉस्टल हमारे यहाँ पे है और 50 हमारी मैस हैं, सोचिए हम इतनी लड़कियों को रोज़ाना खाना खिलाते हैं, तो उनकी पौष्टिकता का, उसका भी ध्यान रखना हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इस बात से बहुत संतुष्ट हैं और वो चाहते हैं कि एक सुरक्षित वातावरण में, जहाँ की उनका उनकी अपब्रिंगिंग, उनका विकास अच्छे से हो, ऐसी संस्था में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। हाँ, हम ये जरूर है कि हम शाकाहारी भोजन यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, और परंतु दूध दही